पाकिस्तान बिगेस्ट मोमेंट ऑफ शेम इन क्रिकेट जब कैप्टन सलमान बट मोहम्मद आसिफ और एक 18 साल का बोलिंग सेंसेशन मोहम्मद आमिर पार्ट बने स्पॉट फिक्सिंग के, जहां 3 नो बॉल्स जानबूझकर फेंकी गई और पूरे क्रिकेट वर्ल्ड का सर शर्म से झुक गया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पूरा मामला कैसे दुनिया के सामने आया था, कैसे एक अंडरकवर रिपोर्टर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और कैसे उसने इन तीनों प्लेयर्स से जुड़े एक एजेंट को फंसाया। रुको मैं बताता हूँ। यह है कहानी अगस्त 2010 की, जब इंग्लैंड और पाकिस्तान हजारों क्रिकेट फैंस के बीच होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में एक टेस्ट मैच खेल रहे थे। और हाँ, दुनिया भर में इसे लाखों लोग टीवी पर भी देख रहे थे। ये बोलना इसलिए जरूरी है कि इस मैच में कुछ अजीब हुआ जो सबने देखा, आप भी देखो। इन द माइंड मे बी इट्स अ बिग नो बॉल, मे बी इज फाइंडिंग इट लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द वेट पैचेस। व्हेन ही बोल्ड The no ball, it was such a big no ball, it couldn't have been a natural mistake. Obviously, ये कोई natural mistake नहीं थी। Total 3 no balls फेंकी गई। Allegedly, एक मोहम्मद आसिफ ने फेंकी और 2 मोहम्मद आमिर। इस कहानी की शुरुआत की तरफ चलते हैं। इस कहानी का मेन विलन है ये मजहर मजीद। कौन है मजहर मजीद? मजीद लंदन का एक राइजिंग बिजनेसमैन था। आपको ये सारे फैक्ट जानकर उसके स्केल के बारे में समझ में आएगा। 2010 के अराउंड मजीद हैड अ 1.8 मिलियन पाउंड का हाउस इन लंदन, एस्टन मार्टिन और ऐसी और महंगी गाड़ियां, और हाँ एक फुटबॉल क्लब भी, क्रॉयडन एथलेटिक। मजहर मजीद घुला मिला पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स के साथ और यहाँ से एक नया चैप्टर चालू। कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए ही वॉज द गो टू पॉइंट फॉर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड स्पॉन्सरशिप डील्स, तो वो उनके लिए एक एजेंट की तरह काम करता था। एंड कहते हैं ही गॉट इनसाइड द टॉप सर्कल्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ये तो है इस कहानी का पहला मजर। अब आते हैं दूसरे मजर पे, मजर महमूद। टू अवॉइड कंफ्यूजन, अब से मैं दोनों को उनके लास्ट नेम से बुलाऊं। महमूद यूके में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, महमूद को जनवरी 2010 में ये टिप ऑफ मिल गई थी कि मजीद फिक्सिंग करने की कोशिश में लगा हुआ है। एंड द टिप ऑफ अपेरेंटली केम फ्रॉम अ फॉर्मर मेंबर ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट टीम। महमूद के पास मजीद के ब्लैकबेरी फोन के कुछ मैसेजेस हाथ लगे जिसमें फिक्सिंग करने की कोशिश का जिक्र था। एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि इन मैसेजेस के जरिए पता चला था कि फिक्सिंग बहुत टाइम से चल रही है। कहते हैं कि आईसीसी को भी ये टिप ऑफ मिली थी और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगे। अपेरेंटली महमूद ने पूरा जनवरी से अगस्त लगा दिया इस प्लान को एग्जीक्यूट करने। प्लान क्या था? महमूद ने अपने आप को एक रिच बिजनेसमैन के तौर पे मजीद से इंट्रोड्यूस कराया और उसके सामने एक नए क्रिकेट टूर्नामेंट की पॉसिबिलिटी रखी। प्लेयर्स की जरूरत थी जो इसमें खेले। मजीद और महमूद की बातचीत के दौरान बेटिंग का जिक्र हुआ, तब कहीं ना कहीं मजीद ने ये बात बोली कि वो फिक्सिंग करवा सकता है। एक और बात, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मजीद ने ये बोस्ट किया कि ही हैज अ फ्यू प्लेयर्स एसोसिएटेड विद हिम एंड वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। मजीद और महमूद जो अंडरकवर रिपोर्टर था उसके बीच डील तय हुई 1,50,000 pounds। डील ये थी कि कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स ऑफ द मैच पे नो बॉल्स, ऐसा होने से बैटिंग के जरिए मजीद खूब सारे पैसे कमाता। तय हुआ कि ये नो बॉल्स डालेंगे मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर। You know what? The near balls are the easiest, yeah, and then the most clearest. Then there's no risk, there's no signal, and anyway, they definitely happen. First ball of the third over. Winnings, right? So who's going to be opening? Asif and Ahmed are going to be bowling. और जैसा मजीद ने प्रॉमिस किया था मैच में बिल्कुल वैसा ही हुआ। Even the commentators on air were surprised with what they were seeing. In the mind, maybe it's a big no ball. Maybe he's finding it a little difficult because of the wet patches. How far was that? Whoa! That's like net bowling. No balls होना आम बात है, सबसे कभी ना कभी हो ही जाती है, लेकिन इतनी लंबी overstepping काफी अजीब थी। Well, the world had seemed to move on from these no balls, but then something happened. News headline के form में एक बहुत बड़ा धमाका। News of the World, जो उस time UK के prominent newspapers में से एक था, उसका 28th August का edition छपा। Front page पे लिखा था ये, caught, match fixer pockets 150,000 pounds as he reads the England test at Lord's. Imagine this, test match अभी भी चालू है, players को match खेलना है, और इन सब के बीच इस खबर ने पूरे cricketing world में खलबली मचा दी। मैच खत्म हुआ विद इंग्लैंड विनिंग द गेम बाय एन इनिंग्स एंड 225 रन। जहां इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स में मोहम्मद आमिर ने नो बॉल्स फेंकी थी, उसी इनिंग्स में उन्होंने 6 विकेट लिए। 6 विकेट, जहां पूरी दुनिया ये बात कर रही थी कि कैसे 18 साल के एक लड़के ने पैसों के लिए नो बॉल्स फेंकी, वहीं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा जा रहा था। लेकिन उनकी शक्ल कुछ अलग ही दास्तां बयां कर रही थी। नो बॉल से मैच के रिजल्ट में कोई फर्क आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग से बैटिंग में बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते। Obviously illegal, तो ये चीटिंग ही हुई। उसके बाद जो हुआ वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए काफी सैड था। कैप्टन सलमान बट गॉट 30 मंथ्स इन प्रिजन।
whereas Mohammad Asif got 1 year. और हाँ, मोहम्मद आमिर को 6 महीने की सजा हुई. तीनों प्लेयर्स ने कुछ महीने प्रिजन में बिताए और फिर वो बाहर आए. और हाँ, मजहर मजीद को भी 32 महीनों की जेल की सजा सुनाई गई. जेल सेंटेंसेस के अलावा तीनों क्रिकेटर्स पे आईसीसी ने लंबे बैंस लगाए. प्रिजन से निकलने के बाद मोहम्मद आमिर ने फॉर्मर क्रिकेटर माइकल एथरटन को एक इंटरव्यू दिया. इस इंटरव्यू की माने तो आमिर ने ये पैसों के लिए बिल्कुल नहीं किया था, तो फिर क्यों किया था? आमिर के मुताबिक अली नाम का एक इंसान जिसने खुद को सलमान भट्ट का दोस्त बताया था परेशान कर रहा था. वो बैंक डिटेल्स मांग रहा था, तो आमिर प्लेड अलोंग जानने के लिए कि वो ये सब क्यों मांग रहा है. काफी शेडी लग रहा था. एंड मजीद ने फिर आमिर को बोला कि अली के साथ उसके टेक्स्ट और कॉल आईसीसी के पास पहुंच गए और वो फंस गया है. और क्योंकि मजीद के दोस्त के सामने एक केस है, वो केस बंद करवाने के बदले आमिर से बोलता है 2 नो बॉल्स डालने को. एक तरफ वो मुझे कह रहा है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो आईसीसी के पास चली गई है, एक तरफ मुझे कह रहा है कि 2 नो बॉल कर दो. कि मैं इतना पैनिक हो गया कि मुझे ये भी नहीं क्वेश्चन आया कि ये क्या कर रहे हो तुम. और फिर आमिर ने वो नो बॉल्स डाल दी. जब स्कैंडल बाहर आया तो आमिर ने अली को भी मैसेज किया कि वो सारे कॉल्स और टेक्स्ट डिलीट कर दे. आमिर कहते हैं कि उन्होंने ये पैनिक में किया था. आमिर ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि जब उन्होंने दूसरी नो बॉल भी डाली तो कोच वकार यूनिस को कुछ गड़बड़ लगी. जब वकार यूनिस ने आमिर से एक्सप्लेनेशन मांगा तो सलमान बट बीच में आ गए और उन्होंने कहा कि उसने आमिर को बोला था बाउंसर डालने के लिए, जिसकी वजह से नो बॉल हो गई. उसने कहा नहीं नहीं, मैंने बोला था इसको कि जाके आगे इसको जाके ना बाउंसर कर दो. मैं फिर वहां पे चुप कर गया, मैंने कोई बात नहीं. मोहम्मद आसिफ ने भी पब्लिकली कन्फेस किया अपना रोल इस स्पॉट फिक्सिंग के मामले में. सलमान बट पे आमिर और आसिफ की नो बॉल्स एग्जीक्यूट करवाने का इल्जाम. कैप्टन ही तो बॉलिंग चेंजेस करता है और डिसाइड करता है कि कौन सा बॉलर कौन सा ओवर करे. और आमिर ने भी उसी को इसका पूरा प्लानर बताया. लेकिन सलमान बट ने 2012 में ये कहा था, ना मैंने ये कभी कहा है कि मैंने कहा है कि आप नो बॉल कराओ, ना मैंने उसको एक्चुअल में कभी कहा है और ना कभी वकार भाई से ये कहा था कि जी आप इसको मैंने कहा है. और इन तमाम टेक्स्ट मैसेजेस में ना मेरा कहीं जिक्र है, ना मैंने किसी को कोई टेक्स्ट किया है इस हवाले से, ना मेरी कोई बात है. मैं तो यही कहूंगा कि मुझे इंसाफ नहीं मिला. ठीक है, रिपोर्ट्स कहती है कि इन प्लेयर्स के रूम्स में कैश मिला था, जिसे स्पेकुलेट किया गया था कि ये कैश इस फिक्सिंग से जुड़ा हुआ है. पैसे की ग्रीड ने 18 साल के अपकमिंग स्टार मोहम्मद आमिर के फ्यूचर को तो डेंजर में डाला ही, बट साथ ही पाकिस्तान के नाम पर पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक कलंक लगा दिया. लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा क्रिकेट के गेम, वो गेम जिसे फैंस सर आंखों पे बिठा के रखते हैं. सैडली ये एपिसोड हमेशा इस प्यारे गेम से जुड़ा रहे. Hey, hi. If you enjoyed this video, then please like, share and comment. With Nutshell History, we go back in time to witness कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे. And I promise you, it will be much more fun than your textbooks. ढेर सारी फैसिनेटिंग स्टोरीज में तड़का लगाने वाले हैं, इंटरव्यूज, आर्काइवल फुटेज और सुपर कूल ग्राफिक्स. तो प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब टू नटशेल फॉर मोर.